मौजूद ख्वातीनों हजरात, हर पल में यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको कोरोना से, हर बीमारी से महफूज करे। आज चैनल 92 के अंदर बड़ी अच्छी खबर चल रही थी कि चाइना ने पाकिस्तान को वैक्सीन तैयार करने के लिए फार्मूला बता दिया है और पाकिस्तान के कौमी हेल्थ का अदारा उसको 2-3 महीने लोगों के ऊपर ट्रायल करेगा। तो ये अच्छी खबरें शुरू आना हो गई है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई वैक्सीन तैयार हो जाएगी जिससे हम इस मुझी बीमारी से बच जाएंगे। आपको इल्म है, जैसा कि मैंने आजकल गर्मियों की बीमारियों के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया है, गर्मियों की बीमारियों से बचने का यह तरीका है कि गर्मियों के मौसम के अंदर जितने फल और सब्जियाँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए जाए तो गर्मियों की बीमारियों से आदमी बच जाता है। आज जो है ये नकसीर है, नकसीर एक ऐसी बीमारी है जिनके अंदर नौजवान बच्चे जो हैं वो अमूमन उनको इन गर्मियों के मौसम के अंदर नकसीर आना शुरू हो जाती है, नकसीर की शिकायत हो जाती है, खून की रगें पुर हो जाती है, पुर हो जाने के बाद वो नाक के रास्ते बार बार नाक को खारिज करने से ये खून जो है नाक से बहने लगते हैं। इसके असबाब ये होते हैं कि हरारत जिगर की होती है या वबाई बुखार होता है या जिन बच्चों के पेट के अंदर कीड़े होते हैं तो उन कीड़ों की वजह से वो नाक को खारिज करते रहते हैं, उसी वजह से नकसीर फूट जाती है। नौजवान लड़कियों की माहवारी से पहले नकसीर आना शुरू हो जाती है। अलामत, सर में गर्मी और खुश्की मालूम होती है, नाक के नथरों के अंदर खारिश शुरू हो जाती है जिससे खून शुरू हो जाता है, नकसीर आना शुरू हो जाती है। सबसे पहले मरीज़ को, नकसीर वाले मरीज़ को बिठा के उसके सर के ऊपर धारदार तरीके से पानी डाला जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसके सर के ऊपर पानी डाला जाए। एक टोटका जो है ये आजमूदा है, मैंने कई लोगों के ऊपर ये तजर्बा किया है। घर में सुरमा होता है, सुरमा घर में से लेकर उसको तली के ऊपर रख के थोड़ा सा सुरमा डाल के उसके ऊपर 2-3 कतरे जो है वो सरसों के तेल डाले जाए, उंगली के ज़रिए वो उस नथने से जहाँ नकसीर आ रही है तो वहाँ अंदर आप लगाएंगे, सुरमे के बारीक ज़रात उन छोटे छोटे सुराखों में घुस जाते हैं और नकसीर आना फौरी तौर के ऊपर बंद हो जाता है। अगर आपको सब्ज धनिया मिल जाए तो सब धनिया कूट के पिलाया भी जाए, उसको सूखा भी जाए तो नकसीर फौरी बंद हो जाती है। इसके अलावा नकसीर जो है बंद करने के फौरी तौर पर घर में केला रखा हो तो केले का मिल्क शेक पिलाया जाए तो नकसीर बंद हो जाती है। आलू बुखारे का घर में शरबत हो, बजूरी का शरबत हो, कोई ठंडा शरबत पिलाने से ये नकसीर बंद हो जाती है। होम्योपैथी के अंदर इसका बेहतरीन इलाज है मिलीफोलियम 30, वो 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम पिलाए जाए तो नकसीर मुस्तकिलाना ख़त्म हो जाती है। जो बच्चे सुबह नारियल खाते रहते हैं, नारियल खाने से नकसीर आना बिल्कुल बंद हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरा ये लेक्चर पसंद होगा, आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अस्सलामुअलैकुम।